हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे माता रानी की पोशाक। इस पोशाक को बनाना बहुत आसान है। ये देखिए, हमारे पास बहुत ही छोटा सा कपड़ा है, ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं है। इससे ही हम माता रानी की पोशाक बनाएंगे और इसी तरीके के हम कपड़े की बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनकर तैयार होती है। अब हम जितनी भी हमारी जो पुरानी पोशाक होती है उन्हीं के हिसाब से हम यहाँ पर इसे मेजर कर लेंगे कि कितना हमें इसे लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसमें 5 इंच, क्योंकि मेरी माता रानी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। 5 इंच जितना चौड़ा मैं इस कपड़े को ले लूँगी। और जितनी भी आपको इसकी ब्रथ रखनी है, लंबाई रखनी है, लेंथ और ब्रथ आप अपनी, तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 इंच जितना ये कपड़ा कट कर लिया है। और इसकी जो लंबाई है वो लेंगे हम, जितना ही अच्छा घेर बनता है, जितनी ज्यादा लंबाई लेते हैं उतना ही अच्छा घेर बनता है। मैंने यहाँ पर लंबाई ली है 33 इंच। अब हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं। तो देखिए, कपड़े को मैंने 5 इंच चौड़ा कट कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने लिया है 33 इंच। इस तरह से ये हमारे 33 इंच है। तो इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई ले ली है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपको घेरा बनाना है। इसी के नाप से मैंने यहाँ पर ये असल का कपड़ा कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से इस जो असल वाला कपड़ा है उसे हमें इस तरीके से रखना है और इस कपड़े को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है सीधा। तो देखिए, इस तरीके से रख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक सिलाई यहाँ पर इस साइड में लगानी है और बाकी की सिलाई हमें इस साइड में लगानी, यानी कि इस साइड से हमें ऊपर रखना है और ये तीन साइड में, इस साइड में और इस साइड में और इस वाले साइड में, हमें तीनों साइड में ये सिलाई लगानी है। तो अब हम इसे सिल लेते हैं। तो देखिए, तीन साइड में मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पर लगा ली, यहाँ और इस साइड में भी। अब हम इससे सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर कितनी ही अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आई है इस तरह से। तो ये देखिए, इसे मैंने सीधा कर लिया है इस तरह से और कितनी ही अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आई है। तो अब हम इस पर लेस लगाएंगे। अगर लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस लगा लें, नहीं तो इस पर ऊपर से प्रेस स्टिच लगा लें। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर इस तरीके की लेस ली है, थोड़ी गोटे वाली, और ये काफी प्यारी लगती हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से हम इस पर लेस लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा इस लेस को रखकर ही इसका लुक आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे सिल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है और काफी प्यारी लग रही है। इस कपड़े में 4 चांद लगे हैं इस लेस को लगाने के बाद। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से लेना है और यहाँ पर हमें इस पर प्लेट लगानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखना है और छोटी छोटी सी इस तरीके की यहाँ पर प्लेट लगानी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इस तरीके से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें एक घेरा बनाकर इसका तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई कर ली है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा घेरा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से जब हम माता रानी को पहनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है इस तरीके का, बहुत ही प्रिटी सा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें नेपा लगाएंगे। नेपा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन कपड़ा ले लिया है और कपड़े को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है जिससे हम इसे बांध सकें। तो इसमें हम नाड़ा नहीं डालेंगे, सिर्फ बांधने के लिए इसी से हम स्ट्रैप बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसको हमें इस तरीके से सीधा रखना है और कपड़े को भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसे भी फोल्ड कर लेना है। इसके सेंटर से भी कपड़े को रखना है। आपको जितना भी लंबा चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर कपड़ा ले सकते हैं और जितना चौड़ा आपको नेपा लगाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इसकी बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो ली है हमने 12 इंच।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये नेफा लगा लिया है, यानी कि इसमें नाड़ा बांधने के लिए इस तरीके से बना लिया है। इसे हम इस तरीके से बांध सकते हैं, पीछे की साइड में हम इसे हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है, यानी कि उनका जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें नेफा बना लें, इसे कट कर दें और इसमें कोई भी नाड़ा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बांधने के लिए ही बना लिया है, तो यहाँ पर नाड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम माता रानी को इसे पहना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे माता रानी की चुनरी। तो ये देखिए चुनरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये नेट का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा भी ले सकते हैं, जो अगर आपके पास नेट ना हो तो, अगर नेट है तो आप नेट का फैब्रिक ले लें, बहुत ही अच्छा लगता है। आप जॉर्जेट का भी जो पतला वाला फैब्रिक होता है उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 इंच चौड़ा इसे ले लिया है और इसकी लंबाई है वो हमने ले ली है 12 इंच। 6 बाई 12 का ये पीस ले लिया है। अब हमने जो लेस लगाई थी उसमें से भी आप इसे कट करके भी इसे लगा सकते हैं। यहाँ से आप कट कर लें और इस लेस को भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस वाली लेस को लगा रही हूँ, थोड़ी पतली और उसमें ही मिक्स मैच हो रही है हमारी ये वाली लेस, तो इस चक्कर में मैं इस वाली लेस को लगा रही हूँ। आप कोई भी यहाँ पर लेस लगा लें, पहले आप इसमें थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर लगा लें, उसके बाद आप इस लेस को लगा लें। अब हमें क्या करना है कि इनको हमें फोल्ड करते हुए लगाना है। तो पहले हम एक सेंटर में इसमें लेस लगा लेते हैं, इससे इसका जो लुक है वो थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंटर में हम इस लेस को लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये लेस लगा ली है। अब हम इसके चारों तरफ हमें इस लेस को लगाना है इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ लेस को इस तरीके से लगा लेंगे। कपड़े को हमें थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो सीधा डायरेक्ट सिलाई से भी लगा सकते हैं, या फिर आप पहले सुई धागे से लगा लें उसके बाद आप सिलाई मशीन इस पर फेर लें, तो इससे काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन लगेगी। इस तरीके से फोल्ड करना है और इस लेस को हमें इस तरीके से लगाते जाना है, इसके चारों तरफ हमें लेस को लगाना है। तो देखिए ये चुनरी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। नेट का कपड़ा है इस वजह से ये थोड़ा सा खिंचता है, ये धुलने के बाद बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी चुन्नी जब हम माता रानी को उड़ाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी इस तरीके से, और बहुत ही प्यारी सी ये हमारी चुन्नी बनकर तैयार हो गई है। और ये हमारा लहंगा बन गया है। तो हमारी माता रानी की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी ये पोशाक बनकर तैयार हो गई है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने देखा ही होगा कितना आसान, कितने ही आसान तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है, सिर्फ नॉर्मल कपड़े से और एक नॉर्मल लेस से बनाकर इसे तैयार कर लिया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको मेरा ये तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड